दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने गूगल हिस्ट्री को हमेशा के लिए कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ और आपको यहाँ पे टाइप करना है google.com। उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पे आपका जीमेल अकाउंट शो होगा। दोस्तों एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ कि जो भी आप एक्टिविटी इंटरनेट या गूगल पे करते हैं वह आपकी एक्टिविटी जो है आपके जीमेल अकाउंट पे सेव होती है। ओके, तो आपको जिसका हिस्ट्री डिलीट करना है उस जीमेल आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। जैसे मेरा यहाँ पे ईमेल आईडी शो हो गया है और उसके बाद जो भी मैं एक्टिविटी करता हूँ इसी ईमेल आईडी पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर डाटा एंड पर्सनलाइजेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे वेब एंड ऐप एक्टिविटी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिविटी कंट्रोल, जो भी एक्टिविटी आप करते हैं वो आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर आपको अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वो एक्टिविटी आपकी सेव नहीं होगी आपके कहीं पर भी ईमेल आईडी पर। उसके बाद आपको अपने हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर ऑटो डिलीट ऑफ है, जैसे ऑफ है, इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आप यहां पे क्लिक कर देते हैं, इस पर टिक कर देंगे तो 18 मंथ की जो भी एक्टिविटी रहेगी ओल्ड वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहां पे टिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहां पे नीचे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और यहां पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो जो भी 18 मंथ के पहले की जो भी एक्टिविटी रहेगी वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको मैनेज एक्टिविटी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा डिलीट और यहाँ पे फिल्टर वाइड डाटा एंड प्रोडक्ट, आपको डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लास्ट हार्स यानी कि एक घंटा पहले का डिलीट कर सकते हैं, लास्ट डे यानी कि एक दिन पहले का, या तो आप ऑलवेज पे क्लिक करके हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं अपने हिस्ट्री को, या तो आप यहाँ पे कस्टम रेंज पे क्लिक करके आप कैलेंडर से कस्टम रेंज पे क्लिक करेंगे, आप यहीं से आपको कैलेंडर पे क्लिक करेंगे जिस डेट को आपको हिस्ट्री डिलीट करना आप यहीं से डिलीट कर सकते हैं। तो हमको हमेशा के लिए डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑलवेज पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा नीचे और यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर दूँगा। ओके, तो दोस्तों जो भी हमारी हिस्ट्री थी आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे नो एक्टिविटी, यानी कि हमेशा के लिए जो भी हमारी एक्टिविटी किया था गूगल पे, जो भी हमने हिस्ट्री हमारी थी वो हमेशा के लिए डिलीट हो गई, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने गूगल सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं हमेशा के लिए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ